अगली जो कमांड है वो है टेबल। वो बहुत बार हमको यूज होती है और मैं ये बहुत विस्तार से आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि टेबल हम कैसे लेते हैं। जिस जगह पे भी आपको टेबल लेना है उस जगह पे आप कर्सर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट मेनू है। इंसर्ट मेनू के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे जो है टेबल कमांड है, टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये 2x1 अपने आप ये दिखाई दे रहा है, तो अपने आप वो टेबल होता जाएगा। ये रो है और ये कॉलम्स है। देखिए जैसे मैं ये माउस इसके ऊपर लेता हूँ वैसे वैसे हमारा टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इस तरह से हमारा टेबल तैयार हो गया है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इंसर्ट के ऊपर आप टेबल लेके इस तरह से भी आप टेबल ले सकते हैं। अगर आपको ये इंसर्ट टेबल है इस कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आप टेबल ले सकते हैं, तो कैसे टेबल लेना है, इंसर्ट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उसके तुरंत बाद ये इंसर्ट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आप कितना कॉलम लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जो एरो है ऊपर और नीचे का, तो इसके ऊपर क्लिक करके भी आप एरो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ रो है यहाँ पे दिए गए, तो आप ये नंबर ऑफ रो लेके यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, तो इस तरह से ये टेबल यहाँ पे आ जाएगा। टेबल में जाकर ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। मैं यहाँ अभी भी बताया कि मैं कॉलम और रो लेके टेबल फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ जो है वो फिक्स कॉलम विड्थ है, जो हर एक कॉलम है वो कितने साइज का होना चाहिए। मैं यहाँ 1 इंच का ले लेता हूँ कॉलम और उसके बाद कर देता हूँ, तो इसका जो साइज है टेबल का हर कॉलम का ये 1 इंच हो जाएगा। तो ये कोई और ऑप्शंस है, ज़्यादा ऑप्शंस है जो आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं ऐटो फिट टू कंटेंट, ऐटो फिट टू विंडो, तो इसमें से आप कौन से भी एक ऑप्शन लेके यह टेबल ले सकते हैं। इस तरह से ऐटो फिट टू कंटेंट आ गया है, तो जिस तरह से मैंने यहाँ कंटेंट लेने के बाद जिस तरह से कंटेंट है उसी तरह से उसका जो विड्थ है ये कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नेम किए हैं, तो उसकी जो विड्थ है नेम की, इस तरह से ये टेबल आ गया है। इसका ज़्यादातर यूज जैसे आपको होता है वैसे वैसे आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं मैन्युअली इसका विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा करता हूँ, लेकिन यहाँ कमांड दी गई है तो इस हिसाब से आप यहाँ ऐटो फिट कंटेंट और ऐटो फिट विंडो के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं इंसर्ट में जाकर टेबल इंसर्ट टेबल लेता हूँ, ऐटो फिट टू विंडो, इस तरह से मैं जो विंडो है जो हमारा पेज है इस तरह से ऐटो फिट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप टेबल लेना चाहते हैं तो मैं एकदम सिंपल तरीके से आपसे बताता हूँ, यहाँ टेबल लेके आप यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से टेबल ले सकते हैं। उसके बाद है अगर मैं टेबल इस तरह से नहीं लेना चाहता, टेबल ड्रॉ करके लेना चाहता, ये भी बहुत आसान तरीका है टेबल लेने का। हम यहाँ पे भी टेबल ड्रॉ करके सिंपल तरीके से टेबल के रो और कॉलम फिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल के लिए आपको टेबल दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एक पहले रेक्टेंगल निकाला है, उसके बाद उसको कॉलम लेना है 2, तो मैं बीच में से इस तरह से मैंने ये कॉलम लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं रो लेता हूँ। इस तरह से भी जो जिस तरह हमको टेबल चाहिए जिस तरह से भी इस हिसाब से हम ड्रॉ करके बहुत ही आसानी से इस तरह से हमको जैसा भी टेबल चाहिए बहुत ही फास्ट और एजी वे से हम इस टेबल को तैयार कर सकते हो। जटिल से जटिल टेबल हमको इस तरह से ड्रॉ टेबल की कमांड के मदद से हम कर सकते हैं। फिर से एक बार जो है मैं दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। इंसर्ट बटन के ऊपर जाएंगे, उसके बाद टेबल और उसके बाद ड्रॉ टेबल लेंगे। मैं जब काम करता हूँ तो ज़्यादातर ड्रॉ टेबल की मदद से भी टेबल लेता हूँ, क्योंकि जटिल टेबल होते हैं तो कभी कभी बार इस तरह से हमको टेबल तैयार करनी होते हैं।
तो इस तरह से वो बहुत जल्दी से वो उस टेबल का स्लिप टेबल हो जाता है। देखिए इस तरह से हम बहुत ही आसानी से टेबल तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद जो टेबल का ऑप्शन है वो है वो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। तो वो कैसे करना है इसके लिए मैं पहले टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेने के लिए हमको टैब कमांड का यूज करना चाहिए। तो मैं पहले टेक्स्ट टैब के हिसाब से लेता हूँ। तो ये टेबल मैंने ले लिया है। पहले ये दिए कि यहाँ पे नेम है, मैंने टैब कर लिया, इसके बाद मराठी, फिर से उसके बाद टैब कर लिया, इसके बाद इंग्लिश लिख लिया, इसके बाद फिर से टैब बटन प्रेस करके मैं यहाँ हिंदी लिखूंगा। इसके बाद मैं स्टूडेंट का नेम निकले जा रहा हूँ, उसके बाद ये मराठी का स्कोर है जो भी, इस तरह से मैं टेबल करूँगा। लेकिन मैंने ये टेबल नहीं किया है, ये खाली टेस्ट किया है, उसको मुझे अभी टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये सिलेक्ट करके टेबल में जाऊँगा। देखिए ये पे यहाँ पे ये कमांड है तीसरे नंबर पर। अगर हमने कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे तैयार किया है टैब की वजह से और हमने टेबल नहीं किया है और बाद में हमें लगता है कि उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से इस कमांड की मदद से, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की मदद से हम इसको टेक्स्ट से हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरह, देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, क्या ये हमने दे सकते हैं, और उसको सिंपल तरह से ओके करेंगे। तो उसको हम देखिए ये जो टेक्स्ट है उसको हम टेबल में बहुत ही आसान तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली जो कमांड है इंसर्ट में से, ये टेबल में से, ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। अभी हमने एक्सेल का कैसे लेना है क्या है, अभी एक्सेल हम जो सॉफ्टवेयर है उसका जो स्प्रेडशीट है ये हमें वर्ड में लेना है, तो कैसे लेते हैं देखते हैं। तो एक्सेल स्प्रेडशीट लेने के बाद यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट तुरंत ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे वो सीधा हमारे वर्ड में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका जो स्कोर है, आपको जो कोई भी डाटा हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद ये यहाँ पे सब एक्सेल का कमांड आ गया है, आप जिस तरह से भी चाहें उस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेल का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे एक्सेल का यूज़ करके ये टेबल तैयार किया हुआ है। बाद में इसको मैं इस विंडो के बाहर क्लिक करने के बाद इस तरह से वो एक्सेल शीट का टेबल तुरंत आ जाएगा। हम एक्सेल का जो भी कमांड है वो रन करके हमारे वर्ड में ये ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे इंसर्ट में जाके, टेबल में जाके, एक्सेल वर्कशीट के ऊपर क्लिक करके हम एक्सेल का वर्कशीट ओपन हो जाएगा। इसमें एक्सेल का कमांड, एक्सेल की मदद से हम जो भी कुछ टेबल का ऑप्शन है वो रन करके हम तुरंत उसको वर्ड में ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो क्विक टेबल है, यानी कि प्री डिफाइंड डिजाइन दी गई है टेबल के, उसमें से आपको जो भी अच्छी डिजाइन लगती है एक डिजाइन सिलेक्ट कर दीजिएगा। और इस तरह से ये हमारा जो टेबल है वो क्विक टेबल विथ मैटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे टेबल है, क्विक टेबल है, और इस तरह से मैं वो क्विक टेबल यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने टेबल लिया है, इंसर्ट करके मैं ऑप्शन ले लेता हूँ इसके। मैं फिर से एक बार एक टेबल तैयार करता हूँ और टेबल के जो डिफरेंट ऑप्शन हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ भी एक सिंपल टेबल करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया है और एक सिंपल सा जो टेबल है, नेम, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और जो भी सब आपको जितने भी सब्जेक्ट लेने हैं, इस तरह से मैंने ये टेबल तैयार किया है। देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पहले आपको डेमो दिखाने के लिए या मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद मैंने टैप करने के बाद अपने आप वो कर्सर नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ स्टूडेंट के नेम टाइप करने जा रहा हूँ, उसके बाद जो है, तो इस तरह से मैंने एक टेबल किया है।
टेबल तैयार करने के बाद जो ऑप्शंस आता है, देखिए यहाँ पर ऊपर टेबल स्टूल है, अभी हम इसका डीप में स्टडी करेंगे या इसको डीप में सीखेंगे। जो भी हम हर रोज़ की ज़िंदगी में टेबल हमको लगते हैं तो इस हिसाब से हम उसको सीखेंगे। तो पहले जो ऑप्शंस है टेबल टूल्स का, यहाँ दो टैब आए हैं, एक डिज़ाइन है और दूसरा लेआउट है। पहले मैं डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर टेबल टूल आता कैसे है ये अब हम पहले देखते हैं। जब भी मैं टेबल के अंदर कर्सर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ टेबल टूल आएगा। अगर मैं बाहर टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से टेबल टूल, देखिए यहाँ से टेबल टूल गायब हो गया है क्योंकि मैंने कर्सर टेबल के बाहर रखा है। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें अभी टेबल का काम करना है तो टेबल टूल कहाँ गया है। तो उसका सिंपल सा आसान तरीका है, आप टेबल के अंदर कहाँ पर भी क्लिक करने के बाद तुरंत यहाँ पे टेबल टूल आ जाएगा। तो टेबल टूल्स में डिज़ाइन और लेआउट है, तो पहले हम डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके जो ऑप्शंस है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमको डिज़ाइन लेना है, कोई टेबल नया टेबल लेना है या इस टेबल को डिज़ाइन देने हैं तो टेबल स्टाइल हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ये टेबल स्टाइल को नेम दिए है, टेबल ग्रिड है, इसके बाद टेबल ग्रिड लाइट है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको बहुत और डिज़ाइन यहाँ को देखने के मिलते हैं। जो भी डिज़ाइन कलरफुल या जो भी आपको पसंद है उस डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद हमने जो टेबल तैयार किया है वो टेबल इस तरह से आपके जो भी डिज़ाइन आपने टेबल स्टाइल ली है उसमें तुरंत वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे और ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, तो टेबल हेडर है, आपको जो भी डिज़ाइन है अगर आपने इस तरह से, ये कॉलम का है, प्लेन टेबल है, इस तरह से डिज़ाइन दी गई है। फर्स्ट कॉलम आप अगर वो डिज़ाइन से हटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप टेबल के ऊपर भी इसकी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप उस पर क्लिक करके टेबल पर क्या इफेक्ट होता है, ये टोटल रो है अगर हम किस हिसाब करते हैं और टोटल रो हमको अलग कलर में डिज़ाइन करनी है तो इस तरह से हम लास्ट का जो रो है ये टोटल रो लेते हैं। हेडिंग रो हमको अलग दिखानी है तो हम हेडर रो लेते हैं। बैंडेड रो इस तरह से हम अलग लेते हैं। बैंडेड कॉलम अपने आप, ये देखिए ये इसका कॉलम का कलर अलग हो गया है, इसका कॉलम अलग, इस कॉलम का कलर अलग हो गया है। तो इस तरह से आप जिस कलर में भी चाहिए, जिस डिज़ाइन में भी, और इसके सब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप ये खुद करके देख लीजिए कि इसका क्या इफेक्ट हमारे टेबल के ऊपर होता है। हेडर रो है, टोटल रो है, बैंडेड रो है, इसके बाद फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है और बैंडेड कॉलम है। तो आप ये सब ऑप्शन करके जो टेबल पर जो हमारा इफेक्ट होता है ये आप देख लीजिए। तो मैंने इस तरह से स्टाइल ले ली है। तो मैं पहले जैसा था टेबल वैसा टेबल करता हूँ, और इसके बाद मुझे जैसा शेडिंग चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, ये मुझे टेबल स्टाइल के हिसाब से नहीं लेना है, मुझे अपने हिसाब से उसको चेंज करना है। ये पहले मेरा टेबल ऐसा था, तो उसके लिए यहाँ पर शेडिंग कमांड है। तो मैं इस तरह के ऊपर से क्लिक करके जो भी मैं रो कॉलम सेलेक्ट करूँगा मैं अपने हिसाब से उसको कलर दे सकता हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरी रो सिलेक्ट की है इस तरह से। तो रो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल टेक्निक है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या रो के लेफ्ट साइड में इस तरह से झुका हुआ एरो आएगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये मैंने पहली फर्स्ट रो सिलेक्ट की है और शेडिंग के ऊपर जाने के बाद जो भी शेडिंग मुझे चाहिए, तो जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उस तरह से पूरे रो को कलर आ जाएगा। अगर हमको कॉलम को कलर चाहिए तो देखिए ये सिलेक्शन है, ये झुका हुआ एरो के आ जाएगा तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शेडिंग के ऊपर जाकर आप जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम हमारे हिसाब से टेबल स्टाइल
के हिसाब से नहीं, हम हमारे हिसाब से, जैसा कस्टम हम यूज़र काम करते हैं, हमारे हिसाब से हम इसको अलग अलग ऐसे एट्रैक्टिव डिज़ाइन और कलर दे सकते हैं। मैंने फिर से एक बार पहले जैसा मेरा टेबल था वैसे उसे कर दिया है। उसके बाद अगला जो कमांड है ये बॉर्डर स्टाइल है। अभी इसको पूरा टेबल को बॉर्डर पहले से ही आ गए हैं, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये पूरा टेबल इस तरह से सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल, आप जो भी स्टाइल का बॉर्डर लेना चाहते उस स्टाइल का बॉर्डर ले लीजिए, और जहाँ पर भी आपको ये बॉर्डर चाहिए उसके उस बॉर्डर के ऊपर आप सिंपल सा उसको ड्रैग कर लीजिएगा, तो जो बॉर्डर आपने सिलेक्ट की है वो बॉर्डर जैसे आपने ये बॉर्डर स्टाइल ली है इस तरह से आ जाएगी। मैं अलग बॉर्डर स्टाइल फिर से एक बार लेता हूँ इस तरह से, और मैं इस टेबल को ये बॉर्डर स्टाइल इस तरह से ये ड्रैग कर लेता हूँ पूरी बॉर्डर स्टाइल, तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी बॉर्डर स्टाइल आपको देनी है आप उसको दे सकते हैं। ये कुछ और बॉर्डर सैंपल हम इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद जो भी मैंने ये बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट की है, ये इसका जो विड्थ है, अलग अलग इसमें से भी आप और बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट करके जो भी बॉर्डर मुझको देनी है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से वो बॉर्डर आ जाएगी। इसका जो विड्थ है बॉर्डर का, ये हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं डेमो करके दिखाता हूँ। देखिए अभी ये विड्थ, इससे ये कम विड्थ हो गई है। पेन कलर है उसका जो बॉर्डर कलर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका भी हम डेमो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो बॉर्डर का ही सब कमांड है, ये बॉर्डर स्टाइल है। उसके बाद ये बॉर्डर स्टाइल के और कोई टेम्पलेट है या कोई डिज़ाइन है, ये बॉर्डर की विड्थ है और ये बॉर्डर का कलर दिया गया है। तो इस तरह से हम दोस्तों हमारे टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। तो पहले जैसा मेरा टेबल था, मैंने फिर से एक बार इस तरह से उसको कन्वर्ट किया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बॉर्डर का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, तो हम उसको जो बॉर्डर स्टाइल है ये सिंपल कर देते हैं पहले, और यहाँ पे बॉर्डर का हम इफेक्ट देखेंगे। ये देखिए जो भी मैंने अभी ये रो सिलेक्ट की है, और इस रो का जो निचले का बॉर्डर है ये बॉर्डर है। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ, बॉटम बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इस रो के नीचे की जो बॉर्डर है वो अपने आप चली जाएगी। मैं फिर से एक बार उसको रखना चाहता हूँ तो बॉटम बॉर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस तरह से आप जो भी बॉर्डर निकालना चाहते हैं तो पहले आप रो सेल या कॉलम सिलेक्ट कर दीजिएगा, और इस हिसाब से देखिए यार टॉप का बॉर्डर निकाल दिया है, लेफ्ट का बॉर्डर निकाल दिया है। मैंने ये 25 के ऊपर सेल के ऊपर कर्सर रखा है, और यहाँ पे डेमो देखिए ये राइट का बॉर्डर इसका निकाल दिया है, नो बॉर्डर यानी कि पूरा चारों ओर का बॉर्डर निकाल लिया है। ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर से वो बॉर्डर वापस आ जाएगा। तो मैं अभी देखिए चारों सेल सिलेक्ट किए, इसके बाद मैंने इसको आउटसाइड बॉर्डर कर दिया है। तो ये अलग अलग बॉर्डर का ऑप्शन है, इनसाइड बॉर्डर रखेंगे, इसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर है। देखिए अलग अलग बॉर्डर का जो ऑप्शंस है, तो इस तरह से हम जो भी टेबल में हमको बॉर्डर चाहिए जिस तरह से भी, इस तरह से हम बॉर्डर को ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन है देखिए, इसमें बॉर्डर पेंटर है, तो हम इस बॉर्डर को जिस कलर में भी चाहे उस कलर में हम पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये डिज़ाइन ऑप्शन में ये टेबल स्टाइल है, ये टेबल स्टाइल के ऑप्शंस है, बॉर्डर का शेडिंग है, बॉर्डर स्टाइल है। इस तरह से ये बॉर्डर का और टेबल का जो ऑप्शंस है ये हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे ये लेआउट टूल, लेआउट टूल में भी हम बहुत अच्छे तरह से टेबल को सजा सकते हैं और टेबल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार उसका सिलेक्शन दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये सिलेक्शन है देखिए यहाँ पे, ये सिलेक्शन में सिलेक्ट सेल, अभी हमने जो सेल पर हूँ इस पर
सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट्रो और सिलेक्ट टेबल, ये भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करने के बाद हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ये 56 सेल के ऊपर हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट सेल करने के बाद ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस तरह से माउस के ऊपर, देखिए यहाँ पे झुका हुआ सेल आ जाएगा, तो इस तरह से माउस की मदद से भी ये सेल सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगला जो ऑप्शन है इसमें ये है सिलेक्ट कॉलम, तो मैंने ये मराठी कॉलम के ऊपर कर्सर रखा है, सिलेक्ट कॉलम करने के बाद ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये दीपक रो के ऊपर मेरा कर्सर रखा है, इसके बाद मैंने सिलेक्ट रो करने के बाद ये देखिए ये रो सिलेक्ट हो गई है। और पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम रो सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये झुका हुआ एरो है जाएगा ऊपर की तरफ, तो हम उसको क्लिक करने के बाद कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर लेफ्ट में इस तरह से झुका हुआ एरो आ जाएगा तो हम इसको इस तरह से रो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा टेबल हमको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल करना है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया है। पूरा टेबल सिलेक्ट करने के लिए और एक आइडिया है, माउस के मदद से हम ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है 4 एरो का, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट करने के बाद हमको ये कमांड रन करनी है। तो अब हम देखेंगे ये टेबल प्रॉपर्टी के बारे में, मैंने टेबल अंदर रखा है ये कमांड। टेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आता है ये टेबल, प्रेफर्ड विड्थ है यहाँ पे दी गई है वो 0 है, मैं अब यहाँ पे 1.5 इंच करता हूँ। यहाँ पे इंच का मेजरमेंट देखें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मैं यहाँ ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेबल है ये 1.5 इंच का हो गया है। देखिए यहाँ पे जो इसका विड्थ है कॉलम का वो चेंज हो गया है, तो मैंने प्रॉपर्टीज में जाकर ये प्रेफर्ड विड्थ जो है अभी मैं 2 कर देता हूँ और ओके करने के बाद अभी ये विड्थ चेंज हो गई है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो बॉक्स दिए गए हैं मैं इसके हिसाब से भी माउस का यूज करके ड्रैग करके भी इसका विड्थ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी में अगला जो ऑप्शन है मैं प्रेफर्ड विड्थ निकालता हूँ, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट समझने के लिए हमको अभी ये जो टेबल है बॉक्स का दिखा, ये टेबल है और ये लाइन्स है, ये टेक्स्ट है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट लेने के लिए पहले जाता हूँ। मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ और सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ और फिर से एक बार मैं टेबल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये जो टेबल है उसका मैं लेआउट में जाकर, यहाँ प्रॉपर्टी कमांड हम सीख रहे हैं, पहला है लेफ्ट, हम जो टेबल है अभी लेफ्ट में है तो हम उसे सेंटर में लेंगे तो सेंटर में जाएगा और टेक्स्ट इसका नीचे आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से हम एक बार प्रॉपर्टी लेते हैं तो राइट में आ जाएगा टेबल अभी देखिए इस तरह से। फिर से एक बार मैं प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन देख रहा हूँ, टेक्स्ट रैपिंग है, अभी हमने टेक्स्ट रैपिंग देखी कि ऊपर की तरफ से हम अराउंड कर देंगे और टेबल को हम जहाँ पर भी चाहे तो टेक्स्ट उसके आसपास हमको देखिए इस तरह से आ जाएंगे। जैसे हमको ज़रूरत है वैसे आप काम कर सकते हैं, अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए फिर से एक बार मुझे ये जो टेक्स्ट रैपिंग है मैं नन कर देता हूँ तो टेबल के नीचे और ऊपर टेक्स्ट आ जाएंगे, टेबल के आजू बाजू ये टेक्स्ट नहीं आते हैं। फिर से एक बार देखिए अभी टेबल के इस जगह पर भी मैं टेक्स्ट लेना चाहता हूँ तो प्रॉपर्टी में जाइए, ये टेक्स्ट रैपिंग में अराउंड कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट के इस साइड में भी ये टेबल के इस साइड में, जैसे मैं टेबल कम कर दूंगा तो टेबल भी आ जाएगा और इस साइड टेक्स्ट भी आ जाएगा। इस तरह से मैं उसको रैपिंग कर देता हूँ, फिर से एक बार प्रॉपर्टी में जाके इसको मैं नन कर देता हूँ। तो अलाइनमेंट है लेफ्ट, सेंटर और राइट और टेक्स्ट रैपिंग है नन और अराउंड,
देखिए यहाँ पे इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट लिखा है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट है तो मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ए वन इंच, तो यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल एक इंच लेफ्ट की वो आगे हो जाएगा। देखिए इसका हम डेमो देखते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है तो एक इंच आगे हो गया है, लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है वो टेबल का लेफ्ट ही रह गया है। तो इस तरह से हम उसका अभी सेंटर में लेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार हम इंडेंट इसको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत से लोग इस कमांड के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं होती है, और बाद में हमें समझ में नहीं आता कि टेबल के आसपास कैसे कैरेक्टर लेना है, टेबल को हमें बीच में कैसे लेना है, राइट में कैसे लेना है। तो इस तरह से हम टेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। ये था ऊपर, देखिए यहाँ पे हमने अभी भी देखा है टेबल प्रॉपर्टी से, मैं इसको नन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो इस तरह से हमारा टेबल आ जाएगा। अगला जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन है ये है रो, मैं रो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस द पेज स्पेसिफाई हाइट, ये देखिए ये अभी 0 इंच है तो मैं इसको अभी 2 इंच कर देता हूँ, रो हाइट एटलीस्ट है। यहाँ पे देखिए जिस रो पे ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ था उस रो की हाइट हम चेंज कर सकते हैं। हम इस तरह से देखिए टू साइड एरो आ जाएगा, इस तरह से भी हम हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी रो हमने सिलेक्ट किया है इस तरह से मैं दो रो सिलेक्ट करता हूँ और उसका प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे रो है, स्पेसिफाई हाइट के ऊपर लेने के बाद यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तो दोनों का जो हाइट है रो का ये अभी 1 इंच हो जाएगा। हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं इस तरह से, और हम प्रॉपर्टी के मदद से भी कर सकते हैं। अभी हम इस तरह से भी कॉलम का यूज़ देखेंगे। मैंने ये दो कॉलम मराठी और हिंदी का दो कॉलम सिलेक्ट किया है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद ऊपर है इसके कॉलम ऑप्शन है, ये देखिए रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। तो मैं ये बात में यही कमांड आपको सिखाऊंगा, ये कमांड है देखिए यहाँ पे रिपीट हेडर रो, यहाँ पर भी है रिपीट हेडर रो, तो मैं यहाँ पर वो करके दिखाऊंगा। उसके बाद है कॉलम, तो कॉलम की भी वेट हम ले सकते हैं इस तरह से, जो भी चाहिए हमको इंचेस में चाहिए या परसेंट में चाहिए, तो हम उसको इस तरह से सेट करने के बाद ओके कर देंगे तो ये कॉलम की विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। तो मैन्युअली सेट करने के लिए हम ये टू साइडेड एरो आ गया है, और ऊपर का जो बॉक्स है तो उसको भी हम चेंज करके उसको हम मैन्युअली ये कर सकते हैं। उसके बाद जो कमांड है प्रॉपर्टी में वो है सेल, जो सेल में मैंने कर्सर रखा है, देखिए अभी ये 25 में इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता है इस कॉलम और रो का, और जो ये सेल है इस सेल का ऑप्शंस अभी हम देखेंगे। देखिए ये सेल है ये अभी टॉप पे है, यानी कि ऊपर की तरफ है टॉप में, उसको मैं अभी यहाँ बीच में ले लूँगा, उसको सेंटर कहते हैं। सेंटर लेने के बाद ओके करने के बाद देखिए 25 जो नंबर है ये बीच में आ जाएगा। मैं इसको अभी बॉटम में कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज में जाके उसको बॉटम में करने के बाद वो अपने आप ये 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। यही कमांड यही भी है अलाइनमेंट में, वो बाद में हम फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन अभी प्रॉपर्टी ऑप्शन चल रहा है तो हम इसको प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो इस तरह से हम टेबल के प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, रो की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, कॉलम की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, और सेल की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। हम अभी टेबल यही कमांड के ऊपर है, और टेबल कमांड में हम टेबल टूल के लेआउट के एक एक ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं डेमो करके भी आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि ड्रॉ टेबल है, मैं ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करके भी टेबल निकाल ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने पहले बताया था। मैं फिर से एक बार यही कमांड थी इंसर्ट में, देखिए टेबल पर ऊपर ड्रॉ टेबल के ऊपर, लेकिन मैं अभी लेआउट में जाकर भी ये ड्रॉ टेबल क्लिक करके उसके अगर हमको चाहिए इस तरह से रो और कॉलम उसको चेंज करना है टेबल को, तो इस तरह से मैं इस टेबल को चेंज
कर सकता हूँ बिल में, या कई बार हमको इस तरह से टेबल लगते हैं, हमारा पूरा टेबल हो जाने के बाद भी मैं ड्रॉ टेबल की मदद से उसको और टेबल को बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। अब मैं इसके इरेज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई रो की लाइन बीच में की हमको इरेज करना है या कॉलम की, तो मैं यहाँ इस इरेजर का इस्तेमाल करूँगा और उसको सीधी जो भी रो हमको हटानी है उसके ऊपर हम यहाँ पे सिंपल तरह से के उसको क्लिक करने के बाद ये पूरी जो रो है वो मर्ज हो जाएगी। यहाँ पर भी हम मर्ज करके जो कमांड है इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत आसान तरीके से हम इरेजर से ये कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं सेल को। उसके बाद जो ऑप्शन है जिस पर सेल पर भी मैंने ये कर्सर रखा है, मैं टेबल फिर से एक बार पहले जैसे कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन है डिलीट। देखिए यहाँ पर मैंने कर्सर यहाँ पर है 25 सेल के ऊपर, पहला ही ऑप्शन है सेल, तो मैं डिलीट सेल करने के बाद शिफ्ट सेल लेफ्ट आ गया है, यानी कि ये 25 जो है वो डिलीट हो जाएगा और लेफ्ट का जो सेल है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे राइट का सेल लेफ्ट में आने के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हम ज़्यादातर डिलीट नहीं करते हैं, हमको अभी पूरा कॉलम डिलीट करना है। ये जो मैंने अभी हिंदी कॉलम के ऊपर मेरा कर्सर है, आप कहाँ पर भी रख दीजिएगा और ये पूरा हमको निकालना है, तो डिलीट करना है। तो सिंपल से हम डिलीट में जाकर यहाँ डिलीट कॉलम ये कमांड सेलेक्ट करूँगा तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा और जो राइट का कॉलम है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी ये देखिए ये दीपक जो रो है ये पूरा ये रो निकालना चाहता हूँ ये पूरा, तो आप कहाँ पर भी इसको कर्सर रख दीजिएगा। उसके बाद डिलीट का बटन के ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करके ये जो ऑप्शन है डिलीट रो तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद देखिए ये पूरी जो रो है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी। उसके बाद हम पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो कहाँ पर भी आप कर्सर रख दीजिएगा टेबल के अंदर और डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिलीट टेबल करने के बाद देखिए यहाँ पर वो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड यानी अंडू करके फिर से वो टेबल लाता हूँ क्योंकि हमें और कमांड सीखने हैं। इस तरह से मैंने ये टेबल तैयार किया है। अगर हमको इस टेबल में दीपक और राम के बीच में एक रो और ऐड करनी है तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है। देखिए दीपक और राम का जो ये बॉर्डर है बीच में का, तो उसके बॉर्डर के हिसाब से ये प्लस का साइन आ गया है, तो मैं यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ तुरंत एक ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। तो हमारा जो अगला जो कमांड का ऑप्शंस है यही हम सीखने जा रहे हैं कि हम टेबल में बीच में या कहीं पर भी ब्लैंक रो कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यही रो नीचे सबसे मैं ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए नीचे भी ये प्लस का साइन आ जाएगा। उसके माउस के या प्लस साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जितने भी चाहें इस तरह से हम ब्लैंक रो हमारे टेबल में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम कॉलम अगर ऐड करना चाहें तो इस बॉर्डर के ऊपर लेने के बाद नेम और मराठी के बीच में एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम उसको ब्लैंक कॉलम हम माउस के हिसाब से देखिए यहाँ पे प्लस आ गया है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हम रो और कॉलम ब्लैंक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो कमांड है ये फिर से एक बार रो और कॉलम का ग्रुप में, तो इसमें से हम इंसर्ट अबव जो भी कर्सर हमारा है इसके ऊपर एक ब्लैंक रो ऐड करेंगे, जो भी कर्सर जिस रो पर है उसके नीचे एक ब्लैंक रो ऐड होगी। इंसर्ट लेफ्ट है जिस कॉलम पर हमारा कर्सर है इसके लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन है इंसर्ट राइट जिस कॉलम के ऊपर हमारा कर्सर है उसके राइट साइड में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो उसका हम पहले डेमो देखते हैं। देखिए मैंने अभी ये दीपक रो के ऊपर मेरा जो कर्सर है कहाँ पर भी आप इस रो के ऊपर मैंने कर्सर कहाँ पर भी रख दीजिएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ उसको ब्लैंक रो चाहिए मुझको तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ, लेकिन
इंसर्ट अबाउ की मदद से भी मैं ले सकता हूँ। तो इसके इस कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखे तुरंत यहाँ पर एक ब्लैंक रो आ जाएगा। अगर मुझको नीचे और एक दीपक और राम के बीच में एक रो चाहिए तो हम इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और ब्लैंक रो आ जाएगी। मैं इसको अंडू कर देता हूँ फिर से एक बार। अगर मुझको एक कॉलम चाहिए, ये पूरा मराठी का एक कॉलम है सब्जेक्ट का, तो उसके मुझे अभी लेफ्ट साइड में एक कॉलम चाहिए, तो लेआउट में जाकर मैं इंसर्ट लेफ्ट एक कमांड लेने के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया है। उसके बाद मुझे जो भी कॉलम के ऊपर मैंने कर्सर रखा है उसके राइट साइड में एक कॉलम चाहिए ऐड, तो इस तरह से मैं इंसर्ट राइट करके यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैंने टेबल तैयार किया गया है तो उसके बाद भी मैं नया कॉलम नई रो इसमें से इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है देखिए वो है मर्ज सेल्स। तो उसको देखने के लिए मैं पहले ये दो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये दोनों सेल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद ये जो कमांड है मर्ज सेल उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों कमांड ये एक हो जाएगी, ये दो सेल एक हो जाएगा। तो मर्ज सेल करने के बाद देखिए ये जो बीच का लाइन है ये अपने आप हट जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि आप इसको इरेजर की मदद से भी आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन हम जो भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से हम इसको एक करने के लिए जो भी सेल हमने सिलेक्ट किए हैं मर्ज करने के बाद ये पूरा बॉर्डर हट जाएगा और उसका एक ही सेल बन जाएगा, उसको कहते हैं मर्ज सेल्स। अगर सेल एक है और उसको हम रो और कॉलम में ज़्यादा रो और कॉलम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ड्रॉ टेबल की मदद से भी ये कर सकते हैं और यह स्लिप सेल की मदद से भी ये कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको। स्लिप सेल लेने के बाद यहाँ पे दिखाता है कि नंबर ऑफ रो मैंने 3 लिए और नंबर ऑफ कॉलम मैंने यहाँ पे 2 लिए हुए। ओके करने के बाद जो भी सेल के ऊपर मेरा कर्सर था उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये सेल 3 कॉलम और 2 रो, ये पहली रो और ये दूसरी रो। इस तरह से मैं स्लिप सेल की मदद से जो सेल है हमारा उसको और रो और कॉलम में डिवाइड कर सकता हूं। इसके बाद जो कमांड आती है वो है स्लिप टेबल। अगर हमको जो टेबल है हमको यहां से अलग करना है तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा और एक रो लेता हूं आपको अच्छे तरह से समझने के लिए। तो मैं यहां से उसको स्लिप करना चाहता हूं तो ये रो सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप टेबल ये कमांड है। ये होने के बाद क्या होता है ये देखेंगे हम तुरंत। तो जिस रो के ऊपर मैंने ये सिलेक्ट की थी रो उस रो के रो वो दो टेबल तरह का, उस रो के आगे का एक टेबल होगा और पीछे पिछला डाटा अलग टेबल का होगा। ये यहाँ पे दो अलग अलग टेबल हो गए हैं। तो दो अलग टेबल करने के लिए जिस रो पर हमारा कर्सर है उस रो के आगे का टेबल अलग हो जाएगा, एक दूसरा टेबल हो जाएगा और ये टेबल हम कहाँ पर भी ले सकते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये स्लिप करने के लिए स्लिप सेल और स्लिप टेबल इस तरह से ये हो जाएगा। ये मैंने टेबल तैयार किया है। तो इस तरह से हम आगे की जो ऑप्शंस हैं टेबल्स टूल्स के और ये हम सीखेंगे। इसमें देखिए अभी हमको आगे की जो ऑप्शन है ये है एटोपिट। मैंने ये कॉलम है मराठी हिंदी इंग्लिश और यहाँ पे टोटल बनाया है तो एटोपिट के ऊपर मैं ये कॉलम के ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एटोपिट कंटेंट है। मैं अभी इसकी जो रो हाइट है वो बढ़ाता हूँ। इसके बाद मैं एटोपिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितना भी हमारा टेबल में कंटेंट है उस हिसाब से ये कॉलम की विड्थ और रो एडजस्ट हो जाएगी, विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से पहले हमारा ये टेबल था। मैं यहाँ पे
एटोफिट कंटेंट लेने के बाद तुरंत ये टेबल जो कंटेंट की विड्थ है उसके हिसाब से ये कॉलम एडजस्ट होते हैं। उसके बाद एटोफिट में एटोफिट विंडोज, तो एटोफिट विंडोज पहले मैं कंटेंट कर देता हूँ और फिर से एक बार एटोफिट विंडोज कर देता हूँ। तो जितना भी हमारा पेपर है उसके हिसाब से हमारा टेबल एक्सपांड होता है, बढ़ता है। इस तरह से ये फिक्स कॉलम विड्थ है। अब अगर हमने ये सब कॉलम सिलेक्ट किया है और उसको फिक्स कॉलम विड्थ करेंगे तो सभी की जो कॉलम विड्थ है वो फिक्स हो जाएगी। हम फिर से एक बार ये कमांड देखते हैं। इस तरह से उसकी कॉलम विड्थ है ये फिक्स होती है। तो इसके आगे की जो कमांड है वो है हाइट और विड्थ। हमने जो भी सेल सिलेक्ट किए हैं उसकी अगर हम हाइट बढ़ाते हैं, ये देखिए ये रो की हाइट पूरी बढ़ गई है, ये इंक्रीज हो गई है। तो इधर ये कमांड है रो की हाइट कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसको हम इसका इफेक्ट हम तुरंत टेबल पर भी देख सकते हैं। अगर हमने ये जो हाइट है ये दो या तीन रो सिलेक्ट किए और उसके बाद उसकी हाइट हम एक साथ बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम रो की हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम कॉलम की जो विड्थ है अभी 1.06 है, देखिए यहाँ पे, तो ये विड्थ अभी हमको कम या ज़्यादा करनी है। तो हम यहाँ से देखिए ये हिंदी कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा हो रही है। इसका डेमो भी आप नीचे टेबल की तरफ देख रहे हैं। यह है डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली, यहाँ ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका क्या, इसका डेमो करके दिखाता हूँ मैं। जो फर्स्ट है ये जो रो है इसकी जो हाइट है ये मैंने अभी बढ़ाई है और सेकंड रो की इस तरह से बढ़ाई है। तो मैं सब रो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो कर देता हूँ। जो रो की हाइट कम या ज़्यादा है ये अपने आप सब एक हाइट के आ जाएंगे। इस तरह से देखिए ये सब अपने आप एक हाइट के ये रो आ गई है। इसी तरह से ये अलग अलग डिफरेंट विड्थ की, ये देखिए इसकी विड्थ अलग अलग विड्थ है। इसको सब टेबल को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सब कॉलम की विड्थ जो है वो अपने आप एक ही आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1.13 है, ये सभी की जो विड्थ है कॉलम की ये सभी की विड्थ एक समान होती है। तो इस तरह से हम जो भी कॉलम या रो सिलेक्ट करते हैं इसके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली हाइट और विड्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह से हमको ये सेल साइज है ये ऑप्शन हमने अभी देखा। अभी हम अलाइनमेंट देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक बार इसकी हाइट बढ़ाता हूँ और देखिए ये जो मराठी वर्ड है ये अभी ऊपर की तरफ है और ये अलाइनमेंट अब हमको सीखनी है। हमने प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर भी अलाइनमेंट देखा था, अभी हम इस तरह से अलाइनमेंट टैब में भी देखेंगे। तो ये ऊपर की तरफ है, इसका नेम है अलाइन टॉप लेफ्ट है, वो टॉप को है लेकिन लेफ्ट साइड को है। अभी मैं इस कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मराठी जो कैरेक्टर है मराठी वर्ड है वो अलाइन सेंटर आ जाएगा लेकिन लेफ्ट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आ गया है। इसके बाद ये है अलाइन बॉटम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में होगा लेकिन वो सेल के बॉटम में आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये रहेगा टॉप में लेफ्ट में, ये टॉप में लेफ्ट में लेकिन सेंटर में, ये अलाइनमेंट है लेफ्ट में लेकिन बॉटम में। तो इसी तरह से अभी है ये अलाइनमेंट है सेंटर में है लेकिन टॉप में है, वो सेल के सेंटर में है। इस तरह से सेल के सेंटर में ये लेफ्ट में नहीं राइट में गया, बीच में है लेकिन टॉप में है, सेल के सेंटर में है लेकिन सेंटर में है, बीच में है, सेल के सेंटर में और बॉटम में है। अभी सेल के टॉप साइड में है लेकिन राइट साइड में है। इसी तरह से ये अलाइनमेंट है राइट साइड में लेकिन सेंटर में और राइट साइड में लेकिन बॉटम में। तो इस तरह से हमको ज़्यादातर ये यूज में आता है जो हेडिंग रहते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सब हेडिंग में इस तरह से अलाइन करता हूँ सेंटर में। तो सभी हेडिंग सिलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अलाइन सेंटर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो सारा हेडिंग है वो सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ज़्यादातर लोग उसको लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन।
देखिए यहाँ पे जो कमांड है ये नहीं, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। इसके इस सेल के ऊपर मेरा ठीक इस सेल के ऊपर मेरा कर्सर है, तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से नेम चेंज हो गया है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस तरह से उसका टेक्स्ट डायरेक्शन वो चेंज होता है। इस तरह से थ्री टाइप्स है इसमें, हम जो भी हमें चाहिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से बार प्रेजेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से अभी हमको वर्ड चाहिए तो हम इसको टेक्स्ट डायरेक्शन से उसको चेंज कर सकते हैं। आगे का जो ऑप्शन है, देखिए मैंने ये अभी लेफ्ट में लिया है, और आगे का ऑप्शन है सेल मार्जिन। अगर ये देखिए टॉप में बॉटम और ये मार्जिन है, मैं इसका घटा लेता हूँ, सेल मार्जिन रखता हूँ, टॉप में मैंने रखा हुआ है, तो टॉप सेल और रो का मार्जिन रखकर नीचे वो कैरेक्टर ले लेंगे। फिर से एक बार देखते हैं हम, मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ टॉप का मार्जिन, तो इस तरह से इस सेल में टॉप मार्जिन 0.6 रखा है। इसी तरह से हम अभी लेफ्ट का मार्जिन उसको बढ़ा कर देखते हैं, थोड़ा एक कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ आगे जाएगा। इसी तरह से हम सेल मार्जिन यहाँ पर चेंज करते हैं, देखिए टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट और राइट है, तो सेल के अंदर जो मार्जिन रहता है इसके अंदर, जैसे हम पेज को मार्जिन देते हैं उसी तरह से हम सेल को भी मार्जिन दे सकते हैं। अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, अगर हम दो सेल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, इस तरह से देखिए ये डबल लाइन आ गई है बीच में, तो ये जो स्पेसिंग है अब हम बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए किस तरह से बढ़ती है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा रख लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से हमारा ये स्पेसिंग ये आ जाएगा। ये सेल्स मार्जिन में अगर ये हम इसको निकाल देते हैं और ओके कर देते तो पहले जैसा हमारा जो टेबल है वो फिर से आ जाएगा। ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट, यानी कि जो हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। इस तरह से ये सेल मार्जिन है। आगे का जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का भी इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे, ये नेम के ऊपर हम सॉर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे नेम है दीपक, राम, सीता, श्याम और योगेश, इसके हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। इसके लिए हम इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे सॉर्ट, उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ एक विंडो आ जाएगी सॉर्ट की, इस पर हम हमारा जो हेडिंग है नेम मराठी, तो हम पहले नेम के ऊपर सॉर्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट है और कौन सा सॉर्ट करना है हमको, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये हम सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं असेंडिंग रख लेता हूँ और उसके बाद मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके तुरंत बाद ये असेंडिंग हो जाएगा अपने आप। यही मैं ऑप्शन अभी नेम के ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगा। यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया है नेम, देखिए यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने ओके किया है, तो देखिए ये नेम जो है योगेश, श्याम, सीता, राम, दीपक, ये डिसेंडिंग जेड टू ए ऑर्डर में डिसेंडिंग हो गया है। अब हम इंग्लिश के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, फिर से एक बार मैं सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं नेम है तो मैं यहाँ पे जो फील्ड है वो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क वाला स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क वाला स्टूडेंट ऊपर आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तीनों सीता, राम और दीपक, इनको सभी को इंग्लिश में सेम मार्क है, तो अभी हमको सॉर्ट के लिए और एक फील्ड चाहिए ताकि ये अच्छे तरह से सॉर्ट हो जाए। अगर ये डाटा सेम आता है तो सॉर्ट के लिए हम हिंदी के ऊपर जाएंगे, तो उसको कैसे करना है ये अब हम देखेंगे। तो फिर से वापस मैं सॉर्ट की तरफ जाऊंगा, यहाँ पर इंग्लिश तो मैंने पहले से किया हुआ है, अगर ये डाटा सेम आता है तो देन बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है देन बाय, मैं कौन सी फील्ड लेना चाहता हूँ तो मैं देन बाय हिंदी लेना चाहता हूँ और उसको भी डिसेंडिंग कर दूंगा। अगर इंग्लिश का डाटा सेम आता है तो ही वो हिंदी की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा, यानी कि हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क है वो ऊपर, उसके बाद इस तरह से वो डिसेंडिंग कर सकता है। हम ज़्यादा भी फील्ड यहाँ से ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इंग्लिश में
सेम मार्क आने के बाद यहाँ पे हिंदी पे गए हैं। हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क दीपक के, तो वो ऊपर ले गया है और सीता को उसके बाद मार्क है, इसके बाद 45 है। तो इस तरह से अगर ये डाटा सेम आता है तो उसके बाद ही वो इस फील्ड पे जाएगा, अगर ये डाटा सेम नहीं आया तो सिंपल सिंपल सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारा टेबल दूसरे पेज पर है तो ये कमांड हमको यूज आती है, रिपीट हेडर रो। मैं इसका डेमो करके दिखाता हूँ, फिलहाल मैं उसका टेबल बढ़ाता हूँ, तो मैं टेबल टाइप करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने टेबल टाइप किया है और ये जो टेबल है मैंने, ये फर्स्ट पेज है मेरा। सेकंड पेज के आने के बाद देखिए यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं है, तो दूसरे पेज अभी हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या हेडिंग है, इसके लिए हमें ये समझ में नहीं आता है। तो मैं हर एक पेज के ऊपर ये हेडिंग लेना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट रो ये सिलेक्ट करूँगा, जो भी हेडिंग मुझको रिपीट चाहिए ये मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं ये जो कमांड है इसको बोलते हैं रिपीट हेडर रो, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो इसमें से कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगले पेज पर मैं जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर अपने आप वो रिपीट हो जाएगा। अगर हमारा टेबल बढ़ता है तो अपने आप जो हेडर रो है वो अपने आप रिपीट हो जाएगी। इसका फायदा इस तरह से होता है कि अगर हम इसमें से कोई रो बढ़ाते हैं या हटा देते हैं तो ये रो जो है हेडिंग रो वो ऐसी के ऐसी रह जाएगी। तो बहुत से लोग यही रो कॉपी पेस्ट करते हैं अगले पेज पर, लेकिन ऐसा करना, वो जब हमको टेबल में कोई रो बढ़ाते या घटाते हैं तो वो रो भी उसके साथ चेंज हो सकती है, लेकिन रिपीट हेडर रो की मदद से वो हम बहुत अच्छी तरह से वो रो अगले पेज के ऊपर अपने आप आ जाएगी। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेबल है वो उसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सारा टेबल इसके लिए सिलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर एक कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैब लिखा हुआ है, पैराग्राफ मार्क है, कॉमा से अदर है, तो ज़्यादातर मैं टैब ही इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर टैब सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो टेबल हट जाएगा और यहाँ पर देखिए ऊपर ये टैब आ गए हैं और इसके हिसाब से ये टेबल कन्वर्ट हो गया है टेक्स्ट में। मैं फिर से एक बार उसको टेबल का अंडू कमांड करके टेबल पर लेता हूँ। और लास्ट का जो टेबल का कमांड है ये है फॉर्मूला। अभी इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने टोटल लिखा हुआ है, इसका भी सम करना है तो बहुत ही आसान तरीके से हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, देखिए यहाँ पे अपने आप ये फॉर्मूला आ गया है सम लेफ्ट करके, तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ या इस तरह से अपने आप आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लेके यहाँ पे खाली इसको ओके करूँगा, तो देखिए अपने आप ये इसका जो सम होके आया है इस तरह से आ गया है। मैं फिर से एक बार इसको कमांड डेमो करके दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला के ऊपर जाऊँगा, अपने आप वो सम अबव आ गया है लेकिन मुझको लेफ्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा। अगर हमें फॉर्मूला में यहाँ पे मैं लेफ्ट कर देता हूँ और इसी जगह मैं सम की जगह एवरेज फंक्शन लेता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, एवरेज इनटू ब्रैकेट लेफ्ट, तो ओके करने के बाद इस तरह से इसका एवरेज आता है। तो जो भी एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है, इसका हम इस्तेमाल करके इसको हम टेबल में ले सकते हैं। जो फॉर्मूला और फंक्शन है वो हम एक्सेल में इससे ज़्यादा अच्छी तरह से, इसका भी एक वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले से डाल दिया है और एक्सेल का भी हम सीरीज बनाने जा रहे हैं, तो उसमें से आप इस तरह से देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा जो टेबल है इंसर्ट के ऊपर का यहाँ पे से हमने लिया था पहले, और इसके जो टेबल टूल्स है ये सब हमने सीखे, डिज़ाइन सीखा, लेआउट सीखा। तो
इस आज हमने देखा कि इंसर्ट में वर्ड में इंसर्ट कमांड के ऊपर टेबल का सब कुछ ऑप्शन हमने आज देखा। तो जो भी नए दोस्त लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को मेरी गुजारिश है कि ये चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी दोस्त इसको सीखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में उसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।